हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं रवि रंजन, राज रेस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग घटना चक्र के प्रीवियस क्वेश्चन 15 राज व्यवस्था के महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके मित्र सभी लोग लाभ उठा सकें। तो आइए आज के 15 महत्वपूर्ण सवालों को देखते हैं। आज के पहला सवाल है, देखेंगे आज के पहला सवाल है, आप लोग भी जवाब देंगे। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई, किस अधिनियम के अंतर्गत? तो देखेंगे पहला सवाल है भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1919। तो आप लोग बताएंगे किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अनुमति प्रदान की गई। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा, भारत में सबसे पहले भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारतीयों को बजट पर लोक महत्व के विषय पर बहस करने का अनुमति दिया गया, साथ ही साथ उसे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिए गए, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिए गए। देखेंगे साथ ही साथ 1892 के अधिनियम के द्वारा ही भारत में आंशिक रूप से संसदीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। आंशिक रूप से संसदीय व्यवस्था की शुरुआत 1892 के अधिनियम के द्वारा हुआ। देखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1861, देखेंगे 1861 के अधिनियम के द्वारा भारत में वायसराय को अध्यादेश जारी करने का शक्ति मिला। साथ ही साथ भारत में जो नए राज्यों का गठन, सीमा में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया। साथ ही साथ इस अधिनियम के द्वारा ही भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत हुई और इस अधिनियम के द्वारा वायस राय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिला। इस अधिनियम के द्वारा नए राज्यों का गठन, सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया। देखेंगे 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई और साथ ही साथ भारतीयों को बजट पर लोक महत्व के विषय पर पूरक और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अनुमति दिया गया। देखेंगे पहली बार प्रश्न पूछने का अधिकार, बहस करने का अधिकार 1892 के अधिनियम के द्वारा और मार्ले मिंटो जो सुधार 1909 में आया था, इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को लोक महत्व के विषय पर प्रश्न पूछने, बहस करने और पूरक और अनुपूरक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछने का अनुमति दिया गया। देखेंगे 1909 के बाद आता है 1919 का अधिनियम, जिसे मोंटेगू चेम्फोर सुधार अधिनियम कहते हैं। देखेंगे इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत हुई। देखेंगे इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विषय को प्रांत के विषय से अलग कर दिया गया। देखेंगे इस अधिनियम के द्वारा ही लोक लेखा समिति का गठन किया गया 1921 ईस्वी में। देखेंगे इस अधिनियम के द्वारा ही महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया, जो 1926 से लागू हुआ,
और इस अधिनियम के द्वारा ही संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया ली कमीशन के अनुशंसा पर। आइए आज के दूसरे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का दूसरा नंबर सवाल है, देखेंगे एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था साइमन कमीशन के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, क्रिप्स मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन डेलीगेशन के द्वारा। तो आप लोग भी जवाब देंगे जल्दी से जल्दी, इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग भी आंसर देंगे। और देखेंगे बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार सचिवालय, तमाम एग्जाम के लिए आपके ये सवाल महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसके लाभ उठा सके। देखेंगे इसका आंसर होगा क्रिप्स मिशन। देखेंगे क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था, 1942 में क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में ही रखा गया था जब भारत में द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो 1942 क्रिप्स मिशन प्रस्ताव। देखेंगे साइमन कमीशन जिसका गठन 1927 में लंदन में हुआ था, 1928 में इंडिया आया और 1930 ईस्वी में साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया था। साइमन कमीशन जिसे व्हाइट कमीशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें 7 सदस्य थे, सातों के सात सदस्य अंग्रेज थे, जिसके कारण इंडिया में साइमन कमीशन गो बाय का नारा दिया गया था। देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935, देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघीय व्यवस्था की शुरुआत होता है, संघीय व्यवस्था की शुरुआत होता है। और इस अधिनियम के द्वारा केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा होता है तीन लिस्ट के द्वारा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के द्वारा केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा होता है। 1935 के अधिनियम के द्वारा ही प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति होता है और केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत होता है। देखेंगे 1935 के अधिनियम के द्वारा ही भारत में संघीय न्यायालय का स्थापना होता है। 1935 के अधिनियम के द्वारा ही भारत में जो है आरबीआई का गठन किया जाता है। देखेंगे कैबिनेट मिशन डेलीगेशन द्वारा, देखेंगे 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद ब्रिटेन में साता परिवर्तन होता है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बनते हैं। उसके बाद क्लीमेंट एटली ने अपने कैबिनेट के तीन मंत्रियों को इंडिया भेजते हैं, उसी का नाम था कैबिनेट मिशन योजना। देखेंगे इस योजना का, इस प्लान का जो इंडिया में आया था, इसका प्लान था भारत में संविधान का निर्माण करना। तो देखेंगे कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा ही भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा ही भारत में संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन हुआ और भारत में संविधान का निर्माण हुआ। आइए अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे। देखेंगे कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बिहार दरोगा हो, सचिवालय हो, विभिन्न सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। देखेंगे महत्वपूर्ण सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे। तो वह कौन था जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं था? ऑप्शन है एच डी देवगौड़ा, नरसिंहा राव, मुरारजी देसाई, चंद्रशेखर। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जो है किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे। एच डी देवगौड़ा देखेंगे यह कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। देखेंगे नरसिंहा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री बनने से पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मुरारजी देसाई बम्बई के थे। देखेंगे भारत में अब तक 6 ऐसे प्रधानमंत्री बने जो प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे, जो आपके तीन स्क्रीन पर देख रहे हैं, एच डी देवगौड़ा कर्नाटक, नरसिंहा राव आंध्र प्रदेश और मुरारजी देसाई बम्बई। इसके अलावा जो है चौधरी चरण सिंह
चौधरी चरण सिंह जो थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बीपी सिंह बिश्नाथ प्रताप सिंह जो है मुख्यमंत्री बने थे यूपी के प्रधानमंत्री बनने से पहले, और नरेंद्र मोदी जो कि गुजरात। देखेंगे इस प्रकार भारत के अब तक 6 ऐसे प्रधानमंत्री बने जो प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे। वो कौन कौन थे याद कर लेंगे, एचडी देवगौड़ा कर्नाटक, पीबी नरसिंहा राव आंध्र प्रदेश, मोरारजी देसाई बंबई, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश, बीपी सिंह उत्तर प्रदेश, और नरेंद्र मोदी गुजरात। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे सवाल है, मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। देखेंगे भारत के पूर्व वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि, कौन सा कथन सही नहीं है मनमोहन सिंह के संदर्भ में। तो देखेंगे भारत के पूर्व वित्त मंत्री सही है, मनमोहन सिंह भारत के पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष। देखेंगे मनमोहन सिंह वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष नहीं थे। तो आइए आज के 5वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे अब सवाल है, उप प्रधानमंत्री का पद का सृजन, ऑप्शन है मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ, 85वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे उप प्रधानमंत्री का पद का सृजन कैसे हुआ। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। देखेंगे उप प्रधानमंत्री शब्द का वर्णन किसी भी आर्टिकल में नहीं है, उप प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक नहीं है, संविधान के अंतर्गत हुआ नहीं, संविधान में तो है ही नहीं उप प्रधानमंत्री का, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं, 50वीं नहीं, आंसर हो जाएगा बी। देखेंगे भारत में अब तक 7 उप प्रधानमंत्री बने, उप प्रधानमंत्री का सृजन राजनीतिक स्थिरता को बनाने के लिए, राजनीतिक में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तब जो है उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है, ऐसे उप प्रधानमंत्री का वर्णन संविधान में नहीं है, उप प्रधानमंत्री भी एक कैबिनेट मंत्री होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। देखेंगे 44वें संविधान संशोधन जो है 1978 में हुआ था, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था, और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही लोकसभा के कार्यकाल को पुनः 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। आइए आज के 6ठे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखेंगे पहला ऑप्शन है किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है, उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक और ना ही दो। आप लोग भी बताएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुख्य सचिव का के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा ए। देखेंगे राज्य में मुख्य सचिव का नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, और राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है, जी नहीं, जो है राज्य में जो मुख्य सचिव होते हैं उनका कोई नियत कार्यकाल नहीं होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल एक। आइए 7 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे निम्न राज्यों में से किस एक ने मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रस्तावित किया है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। आप लोग भी जवाब देंगे इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखेंगे 2004 में आंध्र प्रदेश के द्वारा मुसलमानों के लिए नौकरियों में और शिक्षा में प्रवेश के लिए आरक्षण दिए गए थे। तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आइए अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे निम्नलिखित में से
भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? ऑप्शन है द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में है। अगला ऑप्शन है उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालय लोकहितवाद यानी जनहित याचिका से संबंधित आवेदन स्वीकार करता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखेंगे द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार, देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अपील सुनने का अधिकार है। उच्च न्यायालय अपने निचले अदालत के दिए गए फैसले पर अपील सुनने का अधिकार है। तो यह कथन सत्य है, द्वितीय अपीलीय उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार सही है। देखेंगे उच्च न्यायालय के पास प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है और अपीलीय क्षेत्राधिकार है, सही है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, सही है। अनुच्छेद 216 और अनुच्छेद 237 अनुच्छेद 217 में कहा गया कि किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन बी सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल से करते हैं, गलत, यही कथन गलत है। हाँ, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेते हैं, लेकिन राज्यपाल नियुक्ति नहीं करते हैं, राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं। देखेंगे उच्च न्यायालय लोकहितवाद, देखेंगे इसको बोलते हैं जनहित याचिका यानी पी आई एल से संबंधित आवेदन स्वीकार करता है, यह कथन सत्य है। तो आपका सही नहीं है पूछ रहा था, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों के संदर्भ में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखेंगे पहला ऑप्शन है देश में 18 उच्च न्यायालय हैं। अगला है उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार 1 राज्य से अधिक पर है। किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद पर निर्धारित रहते हैं। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है 1, 2 और 4, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन 3 है 1 और 4, ऑप्शन डी है केवल 4। तो आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो देखेंगे देश में 18 उच्च न्यायालय है, गलत है। देखेंगे वर्तमान में भारत में हाई कोर्ट की संख्या 25 है और देखेंगे 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन हुआ था जो अमरावती में है। तो ऑप्शन ए गलत है। उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार 1 राज्य से अधिक पर है, गलत। देखेंगे भारत के 7 ऐसे उच्च न्यायालय है जिसका क्षेत्राधिकार 1 राज्य से अधिक पर है। किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, गलत। देखेंगे भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें दिल्ली, देखेंगे भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश 8 है जिसमें दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। तो ऑप्शन 3 भी गलत है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं, सही, यानी आंसर हो जाएगा डी केवल 4, ठीक है। आइए आज के 10 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे राज्य सरकार को कृषि आय कर कौन समनुदेशित करता है, यानी राज्य सरकार कृषि आयकर लगा सकता है, कौन करता है? वित्त आयोग उन्हें शक्ति देता है, राष्ट्रीय विकास परिषद देता है, अंतर्राज्यीय परिषद देता है, भारत का संविधान देता है। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा भारत का संविधान। देखेंगे 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय व्यवस्था का शुरुआत हुआ था जिसमें 3 लिस्ट का वर्णन था, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और 7वीं अनुसूची में भी 3 लिस्ट का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो देखेंगे जो विषय राज्य सूची में है उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है और कृषि जो है वह राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्य सरकार जो है कृषि से संबंधित कर लगा सकता है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 274 भी जो है राज्य सरकार को कृषि कर लगाने का शक्ति देता है। तो देखेंगे भारत का संविधान राज्य को यह अधिकार देता है।
देखेंगे वित्त आयोग, वित्त आयोग का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 280, संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन है और प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। देखेंगे वर्तमान में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। देखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, देखेंगे NDC का जो अध्यक्ष होते हैं, प्रधान अध्यक्ष होते हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और इंटर स्टेट कौंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद, देखेंगे इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 263 में है और भारत के प्रधानमंत्री इंटर स्टेट कौंसिल के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो आइए आज के 11वां सवाल को देखते हैं। देखेंगे 11वां सवाल है, भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय है, संसद को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, जम्मू कश्मीर का अलग संविधान है, भारत केवल राष्ट्रपति अधिनियम बना सकते हैं, केवल विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार। देखेंगे यह सवाल पहले का है, अब जो है जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बात चेंज हो गए हैं। जम्मू कश्मीर को देखेंगे अनुच्छेद 370 के तहत जो है स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला था और देखेंगे 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर को भारत में विलय किया गया था और जम्मू कश्मीर का खुद का संविधान था। ठीक है, तो भारत का संसद जम्मू कश्मीर के लिए डायरेक्ट कानून नहीं बनाता था। ठीक है, तो उसको राष्ट्रपति के द्वारा जो इसे लागू कराया जाता था और उसका खुद का अपना संविधान था। देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा केवल राष्ट्रपति अधिनियम बना सकता था, राष्ट्रपति जो संसद जो कानून बनाता था उससे जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा लागू किया जाता था। आंसर हो जाएगा सी। आइए आज के 12वें सवाल को देखते हैं। देखेंगे 2019 में जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो अभी जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ। देखेंगे भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। देखेंगे अनुच्छेद 321 के अंतर्गत, अनुच्छेद 322 के अंतर्गत, अनुच्छेद 323 के अंतर्गत, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। तो देखेंगे निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में एक जो है निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। आंसर हो जाएगा डी। देखेंगे अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का वर्णन किया गया है। देखेंगे अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 321 जो है लोक सेवा आयोग जो है लोक सेवा आयोग के कृत्यों का वर्णन है, अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग के व्ययों का वर्णन है और 323 लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन का वर्णन करता है। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे ऐसे निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी, यहाँ पर ध्यान रखेंगे 25 जनवरी 1950 को हुआ था निर्वाचन आयोग का गठन। और देखेंगे 2011 से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत हैं। तो देखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना, निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय करना, नीचे दिए गए कुट्टों में से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन है ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 1 और 3, ऑप्शन सी है 2 और 3 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे इसका आंसर सही ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो देखेंगे कर निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कृत लोकसभा
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना गलत है। नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना गलत है। निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों विवादों का निर्णय करना गलत है। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अब देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, देखेंगे जो लोकसभा है, लोकसभा और राज्यसभा, तो देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, सभापति और इसमें होता है उपसभापति। तो देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति की नियुक्ति लोकसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं और राज्यसभा के मेंबर अपने में से एक जो है उपसभापति का नियुक्ति निर्वाचन करते हैं। इसमें निर्वाचन आयोग की कोई भूमिका नहीं होता। जहां तक बात रहा सभापति, तो सभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचन आयोग भूमिका रहता है। तो देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के लिए निर्वाचन करवाना गलत है। इसमें सभापति हो सकता है लेकिन लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव होता है लोकसभा के सदस्य अपने में से करते हैं, राज्यसभा के सदस्य अपने में से एक सभापति का करते हैं। तो यह ऑप्शन गलत है। नगर पालिकाओं और नगर निगमों, देखेंगे नगर पालिका, नगर निगम और जो है नगर निगम और जो है राष्ट्र जो पंचायत है इसका चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं कराया जाता है। निर्वाचन आयोग देखेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद का निर्वाचन करवाता है। नगर निगम, नगर पालिका परिषद जो है स्थानीय स्वशासन का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, जिसका वर्णन राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन अनुच्छेद 243 के में है और राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। देखेंगे निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय न्यायालय के द्वारा किया जाता है, न कि निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। इसलिए कौन सा कथन सही है? तो सारे कथन गलत, आंसर हो जाएगा डी। अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ? ऑप्शन है शिवसेना, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, बीएसपी। देखेंगे निम्नलिखित 1999 में किसके विघटन से, आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। देखेंगे कांग्रेस पार्टी से ही टूटकर एनसीपी 1999 में एनसीपी का गठन हुआ और इसके थे शरद पवार, शरद पवार के द्वारा जो एनसीपी राष्ट्रीयकृत जो है राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का गठन किया गया, तो आंसर हो जाएगा बी। आइए अगला है और आज के लास्ट सवाल है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, अध्यक्ष योजना आयोग द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा। देखेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहा जाता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक वर्णन किया गया है। देखेंगे इसकी नियुक्ति जो होता है संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड 1 में है, जिसका नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इनका कार्यकाल जो होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। देखेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, देखेंगे अनुच्छेद 151 के खंड 1, आर्टिकल 151 के खंड 1 और आर्टिकल 151 के खंड 2 के द्वारा एक केंद्र और राज्यों के लेखाओं का ऑडिट करता है और ऑडिट करने वाला के बाद केंद्र के जो लेखा का ऑडिट करने के बाद अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्य के लेखाओं का ऑडिट करने के बाद रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। इस तरह से आज के हम लोग आज के सेशन में 15 महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन किए। फिर से अगले क्लास में हम लोग फिर महत्वपूर्ण सवालों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज इतना ही, धन्यवाद।